नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज लाइव राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जोशी। राजधानी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बरसात के पानी में ले रही जल समाधि। जगह जगह सड़कों पर हो रहे हैं बड़े बड़े गड्ढे, दे रहे हैं हादसों को न्योता। अब तो सड़क की हालत देखकर यह कहना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। इधर चौक से लेकर राजावास तक सड़क पर हो रहे हैं गहरे गड्ढे। सार्वजनिक निर्माण विभाग नहीं दे रहा ध्यान। इस सड़क पर भी कई लोग गिरकर हो चुके हैं चोटिल। बारिश के दौरान जल जमाव से भी ज्यादा बड़ी समस्या है गड्ढों की। पानी तो कभी न कभी कम हो ही जाता है, लेकिन गड्ढे हैं कि प्रशासन के वादों की तरह ही गहरे होते चले जाते हैं। बारिश से पहले तमाम दावे किए जाते हैं, बजट बनाया जाता है, ठेकेदार नियुक्त होते हैं, लेकिन गड्ढे हैं कि सड़कों से जाते ही नहीं। शायद ही ऐसा कोई मॉनसून गुजरता हो जब गड्ढे लोगों की जान ना लेते हों। राजधानी के अलावा आसपास के ग्रामीण इलाकों की हालत भी इतनी खस्ता है कि आए दिन दुर्घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। हम आपको बता दें कि राजधानी से लेकर ग्रामीण इलाके सड़कें अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। अनगिनत गड्ढे सड़क के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके बावजूद न तो किसी जनप्रतिनिधि की निगाहें पड़ रही हैं और न ही लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदारों की। अब तो सड़क की हालत देखकर यह कहना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। अब सवाल यह उठता है, आखिर इन गड्ढों पर मलहम लगाएगा कौन?